दोस्तों आपको पता होगा इंस्टाग्राम पर 699 रुपये पे करने के बाद ब्लू टिक आप आसानी से लगा सकते हैं अपनी आईडी पर। तो आपको मैं आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आप ब्लू टिक परचेज करना चाहते हैं और जो ब्लू टिक बिना परचेज किए पहले मिलता था यानी वेरीफाइड अकाउंट पर मिलता था, जो पब्लिक फिगर होते हैं उन अकाउंट को मिलता था फ्री में और एक पैसे देकर परचेज करना पड़ रहा है, तो दोनों ब्लू टिक में क्या फ़र्क है, दोनों में से कौन सा ब्लू टिक लेने में फ़ायदा है, अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं ब्लू टिक तो उसके बेनिफिट क्या है, उसके लॉस क्या है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देख लेना और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों अगर आप ब्लू टिक लेने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप ब्लू टिक परचेज करेंगे तो जो लोग आपके ब्लू टिक को देखेंगे वो आसानी से पता भी लगा सकते हैं कि भाई इसने तो ब्लू टिक परचेज किया हुआ है, और जिन लोगों को ब्लू टिक इंस्टाग्राम के वेरीफाइड अकाउंट मतलब अकाउंट वेरीफाई करने के बाद मिलेगा उन लोगों को पता लग जाएगा, मतलब दूसरे लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई सच में इसने तो अकाउंट वेरीफाई किया हुआ है, ये पब्लिक फिगर है यानी कि फेमस है, तब जाकर इंस्टाग्राम ने इसको ब्लू टिक दिया है। अगर आप ब्लू टिक परचेज करने की सोच रहे हैं तो भाई ब्लू टिक परचेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक जब से 699 रुपये में मिलने लगा है तब से ब्लू टिक की वैल्यू ही खत्म हो गई है, क्योंकि वैल्यू तब थी जब इंस्टाग्राम पर हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा कर यानी कि हम एक तरह से कुछ वायरल वीडियोज़ का लिंक वगैरह देकर मतलब एक तरह से पब्लिक फिगर बनकर तब जाकर ब्लू टिक लेते थे इंस्टाग्राम पर, तो तब किसी को भी ब्लू टिक मिलता था, किसी के अकाउंट पर ब्लू टिक देखने पर ऐसा लगता था भाई सच में ये तो फेमस पर्सन है, पब्लिक फिगर है, तब जाकर इसका अकाउंट वेरीफाई हुआ है, इंस्टाग्राम ने ब्लू टिक दिया है, मजा तब था। लेकिन आज जो लोग परचेज कर रहे हैं तो एक तरह से आप मल्टीपल अकाउंट देखेंगे, मतलब 10 अकाउंट में से 8 अकाउंट आपको ऐसे मिल जाएंगे आपके दोस्तों के फ्रेंड किसी के भी मतलब एक तरह से अकाउंट मिल जाएंगे जिनमें आपको ब्लू टिक लगा हुआ दिखाई देगा, तो उसकी वैल्यू कहाँ रही है, सबको आसानी से पता लग जाएगा भाई इसने तो ब्लू टिक खरीदा है तब जाकर इसको अकाउंट में ब्लू टिक मिला है, क्योंकि किसी के 500 फॉलोवर है वो भी ब्लू टिक लगाकर घूम रहा है तो सबको आसानी से पता चल जाएगा भाई इसने तो ब्लू टिक खरीदा है, उसको वेरीफाई करने के बाद इंस्टाग्राम ने ब्लू टिक नहीं दिया है। तो आपको मैं एक बार मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर दिखा देता हूँ कि आप कैसे पता लगाएंगे कि भाई ब्लू टिक इसने परचेज किया है या फिर इसको इंस्टाग्राम ने पहले का दिया हुआ है अकाउंट वेरीफाई करने के बाद। तो जो लोग आपके अकाउंट को देखकर भी पता लगा सकते हैं वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है और इंस्टाग्राम में ओपन करने के बाद आपको जैसे ही कोई सा अकाउंट दिखाता हूँ, यह जैसे अक्षय कुमार का अकाउंट सामने शो हो रहा है, अक्षय कुमार के अकाउंट पर चलते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू टिक लगा हुआ है और ये पब्लिक फिगर है, आप जानते हैं इनने तो ब्लू टिक खरीदा नहीं होगा। तो इन आपको क्या कैसे पता चलेगा, जैसे आप किसी का भी अकाउंट सर्च करेंगे तो आपको इनके 3 डॉट पर क्लिक करना है, साइड में जो 3 डॉट है 3 डॉट पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक अबाउट दिस अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, 3rd नंबर पर मिल रहा है अबाउट दिस अकाउंट, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा वेरीफाइड, यानी कि यहाँ पर वेरीफाइड का ऑप्शन है, तो इस पर यहाँ पर आपको कोई डेट वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना ब्लू टिक है। यहाँ पर देख सकते हैं डेट ज्वाइंड है, ज्वाइन डेट है जो इंस्टाग्राम अकाउंट अक्षय कुमार ने ज्वाइन किया था तब की डेट है जनवरी 2014, तो जनवरी 2014 की डेट है तभी इनको ब्लू टिक मिला था, तो यहाँ पर कोई डेट वगैरह शो नहीं हो रही ब्लू टिक की। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कोई डेट शो नहीं हो रही, और आपको पता भी है उनके अकाउंट में क्या शो होगा जब वो ब्लू टिक जिन्होंने परचेज किया होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ऐसा देख लेना है और दूसरा आपको इनके फॉलोवर्स पर क्लिक करना है, 65.3M फॉलोवर्स है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इनके फॉलोवर्स आपको दिखाता हूँ कितने शो होंगे। जैसे फॉलोवर्स हैं इनके, स्क्रॉल करते जाते हैं के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इनके फॉलोवर्स दिखना बंद हो गए हैं। कुल मिलाकर इनके 50 फॉलोवर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक गिन लेना, 50 फॉलोवर्स आप देख सकते हैं जिनका अकाउंट वेरीफाइड है यानी पब्लिक फिगर है, उन अकाउंट्स के आप 50 फॉलोवर्स ही देख पाएंगे। तो दो ट्रिक हो गई है कि 50 फॉलोवर्स देख सकते हैं जिनको ब्लू टिक मतलब जिनको इंस्टाग्राम ने ब्लू टिक पहले का दिया हुआ है उनके आप 50 फॉलोवर्स देख सकते हैं, एक तो ये हो गया। अब जिनने ब्लू टिक परचेज किया है उनका मैं आपको दिखाता हूँ, कोई ऐसा अकाउंट देखता हूँ जिसने ब्लू टिक परचेज किया हो, एक बार चेक करते हैं। अब ये अकाउंट है देख सकते हैं IMRT सिंह का ये अकाउंट है जहाँ पर ब्लू टिक लगा हुआ है, अब हमें इसका पता लगाना है कि भाई इसने ब्लू टिक परचेज किया है या फिर इनको मिला है पहले से। वापस 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद अबाउट दिस अकाउंट में चलते हैं, अबाउट दिस अकाउंट में आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अक्षय कुमार के मैंने अकाउंट में दिखाया था वेरीफाइड में कोई डेट वगैरह कुछ भी नहीं था, यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाइड है जिसमें डेट शो हो रही है जून 2023, यानी कि पिछले महीने जून 2023 में ही इन्होंने ब्लू टिक लिया है। और इंस्टाग्राम पर जो ब्लू टिक परचेज करने का ऑप्शन आया है मतलब इंस्टाग्राम 699 रुपये में जब से ब्लू टिक बेच रहा है वो जून के महीने से बेच रहा है। अगर इनका अकाउंट वेरीफाइड था मतलब इंस्टाग्राम ने वेरीफाइड कर ब्लू टिक दिया होगा तो इनको पहले ब्लू टिक मिला होता जून 2023 के बाद, जिन्होंने भी ब्लू टिक लिया है ना उनको इंस्टाग्राम ने 699 रुपये में ब्लू टिक दिया है। आप आसानी से ऐसे पता लगा सकते हैं
एक तो हो गया ये तरीका कि जून 2023 में इन्होंने ब्लूटिक लिया है, तो इन्होंने ब्लूटिक परचेज किया है। अब इनकी कहाँ वैल्यू रही है, ब्लूटिक इन्होंने परचेज करके लिया है, फेमस चाय कितनी भी है लेकिन ब्लूटिक इन्होंने परचेज किया है। अब आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका जो मैंने दिखाया था, इनके अक्षय कुमार के 65.3M फॉलोवर्स थे कुछ, यहाँ पर 1.6M फॉलोवर्स हैं। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो अक्षय कुमार के मैंने दिखाया था 50 फॉलोवर्स आप देख सकते हैं। जहां पर अगर आप देखेंगे जिन्होंने ब्लू टिक परचेज किया है उनके आप 50 फॉलोवर्स नहीं देख सकते, उनके आप सारे फॉलोवर्स देख सकते हैं जितने फॉलोवर्स है, देख सकते हैं। स्क्रॉल करता हुआ जाता हूं, स्क्रॉल करते हैं नीचे, स्क्रॉल करते जाइए इनके 50 फॉलोवर्स से भी ज़्यादा देख सकते हैं हम, देख सकते हैं आप 50 फॉलोवर्स तक आपके हो गए होंगे। स्क्रॉल करते हुए जाना, यहाँ पर आप इनके पूरे के पूरे 1.6M फॉलोवर्स देख सकते हैं। बस ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि भाई जिनका पब्लिक फिगर अकाउंट है, अकाउंट वेरीफाइड है, उनकी आप 50 फॉलोवर्स देख सकते हैं बस। जिन्होंने ब्लू टिक परचेज किया है उनके आप कितने भी लाखों में 10 लाख 50 लाख फॉलोवर्स हैं उनके आप पूरे फॉलोवर्स देख पाएंगे। तो हमको पता चल गया कि ब्लू टिक भाई इन्होंने परचेज किया है तो इनकी कहाँ वैल्यू रही है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि जिन्होंने ब्लू टिक परचेज किया है और जिन्होंने ब्लू टिक पहले लिया हुआ है इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड करवा के, उन दोनों ब्लू टिक में कोई भी अंतर नहीं है। जो ब्लू टिक का बेनिफिट आपको मिल रहा है वो ब्लू टिक आपको मिलेगा, मतलब जो आपके नाम से फेक अकाउंट बने हुए हैं इंस्टाग्राम उनको एक तरह से डिलीट कर देगा, या फिर लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये फेक अकाउंट है, आपके ब्लू टिक से आपके ओरिजिनल अकाउंट की पहचान हो सकती है। दूसरा आपको मतलब इंस्टाग्राम से कस्टमर सपोर्ट के रूप में डायरेक्ट हेल्प मिलेगी, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और भी सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे आपको ब्लू टिक लेने में। तो दोनों में खरीद लो या फिर वैसे ले लो, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, सभी बेनिफिट्स आपको ब्लू टिक के मिलेंगे। जो ब्लू टिक में बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बस लोगों को पता चल जाएगा कि ब्लू टिक इसने खरीदा है या फिर इसने वैसे लिया है। तो दोनों में से ब्लू टिक की वैल्यू तब है जब आपने वेरीफाइड करवा के लिया वो, और ब्लू टिक अब अगर आप वेरीफाइड करवा कर लेंगे तब भी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। जो लोग चेक नहीं करेंगे उनको तो पता ही नहीं लगेगा, वो तो सोचेगा कि भाई इसने ब्लू टिक परचेज ही किया है, क्योंकि इस टाइम ब्लू टिक की वैल्यू खत्म कर दी है इंस्टाग्राम ने 699 रुपये में बेच दिया। अगर आप ब्लू टिक लेने की सोच रहे हैं तो ब्लू टिक मत लेना, 699 रुपये हर महीने के देने पड़ेंगे। एक बार देकर ये नहीं कि एक बार आपने खरीद लिया ब्लू टिक और आपका लाइफ टाइम ब्लू टिक रहेगा अकाउंट पर, एक महीने 699 रुपये देंगे तो मिलेगा, दूसरे महीने नहीं देंगे तो हट जाएगा। तो ये बात का आप जरूर ध्यान रख लेना, ब्लू टिक सोच समझ कर ही लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मैंने समझाया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।